नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल के एक ऐसे मसले पे जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बार बार भारत की राजनीति में पढ़े लिखे होने की बात सुनी जाती है, कही जाती है, और आजकल दिल्ली के शहंशाह गिरगिटानंद केजरीवाल भी इस बात को बार बार बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। हालांकि सच्चाई यही कि उनकी पार्टी में कितने पढ़े लिखे हैं यह बात सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल के एक पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक और वर्तमान में मालदा डिस्ट्रिक्ट जो है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक म्यूनिसिपालिटी है 150 साल पुरानी, जिसका नाम है इंग्लिश बाजार, उसको अंग्रेजों ने बसाया था। उसके चेयरमैन की बात है, उसके चेयरमैन है केएन चौधरी साहब। केएन चौधरी साहब पेशे से वकील हैं और पूर्व में ये लोग जमींदार हुआ करते थे, और मालदा डिस्ट्रिक्ट में ही जो कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसमें ये साहब प्रैक्टिस भी करते हैं, और कहा जाता है कि इनकी हनक बहुत है ममता गवर्नमेंट में। और चेयरमैन है तो चेयरमैन की हैसियत से इनको दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं ये बंगाल के, इस बात को समझिएगा। मतलब अभी भी ये मंत्री हैं, वो बात अलग है कि दर्जा प्राप्त मंत्री है, कैबिनेट मंत्री नहीं। इन्होंने नोटिस दिया मालदा डिस्ट्रिक्ट के जिला जज को कि आपका घर गिराया जाना है। सोचिएगा, किसको? मालदा डिस्ट्रिक्ट के जिला जज को ही नोटिस दे दिया कि आपका घर गिराया जाना है, और किस हैसियत से दिया? इंग्लिश बाजार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके चेयरमैन की हैसियत से दिया। अब ये मामला पहुंच गया कहां? कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंच गया तो वहां के जो जज साहब थे, जब उन्होंने मामले को सुना तो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को तो खारिज कर दिया और साथ के साथ चेयरमैन साहब को नोटिस देकर के बुला लिया कि आइए जवाब दीजिए। अब ये सब क्यों किया? आप लोगों को एक बात बता दूं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, चाहे वो जिला कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके परिसर में सिर्फ वहां के हेड, मतलब अगर जिला कोर्ट है तो जिला जज, अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसी की मर्जी चलती है। कौन कौन सी मर्जी चलती है यह भी समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए जिला कोर्ट है, जिला अदालत है, तो जिला अदालत में, जिला अदालत के परिसर के अंदर जितनी भी गतिविधियां होंगी उस गतिविधियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिला जज के पास होती है, चाहे वो कूड़े का निस्तारण हो, चाहे वहां वकीलों का चैम्बर बनना हो, चाहे कोई भी मसला हो, उसमें राज्य सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकती, कुछ भी दखल नहीं दे सकती किसी भी प्रकार का। इवन पुलिस जो होती है वह भी बिना जिला जज के आज्ञा के, पुलिस के पावर के साथ किसी को नोटिस देने या किसी को गिरफ्तार करने भी उस परिसर में नहीं घुस सकती है बिना जिला जज से पूछे। वैसे तो नॉर्मली सब लोग आते जाते रहते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, पेशी पे भी पुलिस वाले लेकर के जाते हैं कैदियों को, उसमें भी कोई रोक नहीं है। ये पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जुडिशरी को। अब जो बंगला गिराया जाना है वो जज साहब का है, जिला जज साहब का, बिल्डिंग कह लीजिए, बंगला कह लीजिए, घर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, और वो है कोर्ट परिसर के अंदर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने दे दिया नोटिस, और वो भी कौन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, जो खुद लॉयर है, जो खुद वकील है, और उसी मालदा डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है। इससे और आग बबूला हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, और उनसे पूछ लिया कि क्या आपको बिल्डिंग बायलॉ जो स्टेट का है उसके बारे में भी नहीं पता है,
और जो किसी राज्य का बिल्डिंग बायलॉज होता है वह भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों पे अप्लाई नहीं होता है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। उसके बाद भी इन्होंने दे दिया नोटिस, तो नोटिस दिया क्यों, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था। नोटिस इसलिए दिया दोस्तों कि जो मालदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और उसमें से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं, और ये चेयरमैन साहब को उन्हीं के लिए घर बना के देना था, घर बना के देना था। तो इन्होंने कहा कि आप इसको खाली करिए, परिसर को खाली करिए, ये जो बिल्डिंग है, जो घर है, इसको गिराया जाएगा और यहाँ पे ये जो गरीब हैं, गरीब के नाम पे। आज मालदा डिस्ट्रिक्ट की स्थिति यह है कि इतने ज्यादा, इतनी बड़ी मात्रा में वहां बांग्लादेशी आकर के बस रहे हैं और ममता की सरकार बसा रही है कि उसकी यह एकमात्र वानगी थी, यह एकमात्र क्या कह सकते हैं उसको, यह एकमात्र इंफॉर्मेशन है। केवल आप इस तरीके से इस चीज को समझिए कि एक ममता का मंत्री, इंग्लिश बाजार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बिल्डिंग बायलॉज भी नहीं जानता है, या बिल्डिंग बायलॉज जानता है, उसको पता है कि ममता बनर्जी की सरकार का मैं मंत्री हूं और यहां का चेयरमैन हूं, जिला अदालत की हैसियत नहीं है कि मैं अगर कुछ कह दूंगा तो जिला अदालत नहीं मानेगी उसको, क्योंकि एक वकील को इतनी बेसिक चीज ना पता हो यह कैसे संभव है। और यही लोग पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को लेकर के, चाहे बहुत सारी चीजों को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोज आरोप लगाते हैं कि आप नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने निकलना है, 2024 में मोदी जी को हटाने निकलना है, ये कौन सा लोकतंत्र है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने वाला है और कहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के एन चौधरी से कहा है कोलकाता हाई कोर्ट ने कि साथ के साथ वो फाइलें भी लेकर के आना जो तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अवैध मकान बने हुए हैं, जो कब्जे करके बने हुए हैं और उस पर तुमने अब तक कितनी कार्रवाई की वो भी बताना। कोर्ट ने एक बात और कही, उसको अगर सामान्य भाषा में, मुहावरे की भाषा में कहा तो कोर्ट के कहने का मतलब था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इंक्रोचमेंट को लेकर के हमें सवाल पूछना चाहिए और तुमने जिला जज के घर को ही गिराने के लिए नोटिस दे दिया जबकि इन सब चीजों से परे है वो। तो किस तरीके से बंगाल में सरकार चल रही है, कलकत्ता की बातें और बड़ी बड़ी बातें तो बाहर छन करके निकल करके आ जाती हैं, लेकिन ये जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो कुछ खेल खेल रहे हैं ममता के मंत्री या ममता के लोग, वह भी अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है। बीच में ममता बनर्जी को लेकर के, कलकत्ता हाईकोर्ट को लेकर के बहुत हायतोबा मचा था, आप लोगों को पता होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब कर लिया था किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, जब अभिषेक बनर्जी का कोई मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, उस पर मैंने कुछ एक लाइव किया था उस पर, तब भी आपने देखा था। तो ये तनातनी जो है वो तनातनी राजनीतिक नहीं है, ममता बनर्जी ने इस तरीके का माहौल बंगाल के अंदर खड़ा कर दिया है कि वहां पे रहने वाले जुडिशरी, जज, चाहे अन्य भी संस्थाएं जो हैं, वो अपने आप को बौना समझती हैं। इसलिए बौना समझती हैं क्योंकि ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के लोग किसी भी हद तक जाकर के किसी को धमका सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारे जजों को दबा लीजिए और हाई कोर्ट को दबा लीजिए, यह भी संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है तो टकराव संभव है, और टकराव नीतिगत होता है तो समझ में आता है। जबरदस्ती के टकराव का जो मतलब निकलता है जुडिशरी के साथ, उसका कोई और छोर नहीं होता है। तो ये स्थिति है, सोचिएगा बहुत ध्यान से कि किस तरीके की मानसिकता के बीच में बंगाल में काम हो रहा है और बंगाल किस दिशा में जा रहा है कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए मालदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, के घर को गिराया जाने के लिए नोटिस दे देना, ये कितने बड़ी हिम्मत की बात है। जिस प्रिमिसेस में, जिस परिसर के अंदर स्टेट का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, इवन कोई अपराधी भी कोर्ट परिसर के अंदर अगर चला जाए
तो बिना जिला जज के अनुमति के आप पूछ नहीं सकते, घुस नहीं सकते उसको पकड़ने के लिए। ये सोच लीजिए, वहां पे ये सब सारी चीजें हो रही है। तो आम पब्लिक के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा होगा बंगाल में, यह भी आप लोग समझिएगा, सोचिएगा कि बंगाल की हालत कैसी है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो नए दर्शक देख रहे होंगे वो जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सारी डिटेल दी हुई है, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।